दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे दोस्तों आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हम जिसमें आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ देंगे और जो माननीय शिक्षा मंत्री मोदी है उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है जो नई शिक्षा नीति आई है उसके ऊपर उस पर भी चर्चा करेंगे फर्स्ट ग्रेड के लिए भी एक महत्वपूर्ण खबर है उसकी भी चर्चा करेंगे एवं कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के लिए भी कुछ न्यूज़ है उसके पे भी चर्चा करेंगे तो दोस्तों उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए सारी वीडियोस देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उनको लाइक कीजिए कमेंट कीजिए व अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों रीड लेवल वन व रीड लेवल टू दोनों की क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जिसमें आपको अलग अलग क्लासे दिखेगी फर्स्ट ग्रेड की क्लास का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों पहली खबर है पीटीआई भर्ती को लेकर चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के बीच फंस गई पीटीआई भर्ती 2018 के तीन हज़ार नौ सौ सात चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति तो दोस्तों जो पीटीआई भर्ती थी उस पर अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है जिसका मामला अटका हुआ है डेढ़ साल पहले निकली थी भर्ती चार में से तीन पदों पर परिणाम जारी नियुक्ति के आस में निदेशालय के डेरा डाले हुए हैं चयनित शिक्षक तो दोस्तों चयनित शिक्षक है उन्होंने धरना दिया हुआ है अभी तक इस भर्ती में ज्वाइनिंग नहीं दी गई है जूनियर लीगल ऑफिसर भर्ती 2019 ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन नौ पाँच नवम्बर तक तो दोस्तों जेलो के जो भर्ती परीक्षा आर ने निकाली थी उसके लिए जो आप संशोधन करने की अंतिम दिनांक वह पाँच नवम्बर है उसके बाद आप संशोधन नहीं कर पाएंगे टोटासरा बोला इस साल नहीं होगा शिक्षकों के तबादले तो दोस्तों थर्ड ग्रेड व सेकेंड ग्रेड के जो शिक्षकों के तबादले वो इस साल नहीं होंगे अगले साल आचार संहिता व नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव के बाद उनके तबादले किए जाएंगे फर्स्ट ग्रेड के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण खबर है ई डब्ल्यू एस कैटेगरी के, के अभ्यर्थियों को संशोधन में दिक्कत व्याख्याता भर्ती में ई डब्ल्यू कैटेगरी के अभ्यर्थियों को संशोधन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती में पिछले दिनों संशोधित विज्ञप्ति जारी कर फिर से आवेदन मांगे थे तो दोस्तों जो ई के फॉर्म भरे थे उनके अंदर समस्या आ रही है पूरी कैटेगरी चेंज नहीं हुई इसलिए दिक्कत है ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल असिस्टेंट टाउन प्लानर पदों पर भर्ती जो हुई थी उसके लिए जो रिजल्ट आया था उसके डॉक्यूमेंट मांगे गए थे और उन डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है कल अंतिम तिथि है पत्र में शामिल किए गए पदों का परिणाम कृषि शाही के लिए जारी कर दिया गया है कृषि अधिकारी के लिए आईटीआई टी ये परीक्षा से संबंधित बड़ी खबर आ रही है दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग से चार से होगी वाइस प्रिंसिपल के पदों के लिए भर्ती आईटीआई टी अजमेर में चार केंद्र बनाए गए हैं तो दोस्तों बड़ी खबर ये है कि जो आर के जो पेपर थे उन पेपर चार तारीख से प्रारंभ हो जाएंगे आर टी अब बारह बारहवीं तक सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी पात्रता परीक्षा महत्वपूर्ण खबर इस खबर को देखेंगे दोस्तों नई शिक्षा नीति में राजस्थान के कई सुझाव शामिल शिक्षकों को मिलेगी गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्ति शिक्षा मंत्री डोटासा ने केब की बैठक में रखे थे सुझाव तो दोस्तों आर अब बारहवीं क्लास तक रहेगी चुनाव को छोड़कर अन्य गैर शैक्षिक कार्यों से शिक्षकों को राहत मिलेगी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में भी शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू की जाएगी महत्वपूर्ण खबर दोस्तों सबके लिए कि जो सेकंड ग्रेड भर्ती है उसमें भी शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू की जाएगी इसके साथ ही इस शिक्षक अधिकार कानून का दायरा बढ़ाकर बारहवीं क्लास तक कर दिया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से तैयार हो रही शिक्षा नीति में राजस्थान के इन सुझावों को शामिल किया गया है पिछले दिनों दिल्ली में हुई केब की बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने नई शिक्षा नीति को लेकर राजस्थान की ओर से कई सुझाव रखे थे डोटासरा ने मंगलवार को ट्वीट करके नई शिक्षा नीति में शामिल किए जाए ये सुझावों की जानकारी दी राजस्थान के जिन सुझावों को शामिल किया गया उनमें से कुछ तो यहाँ पहले से ही काम हो चुका है डोटासरा नई शिक्षा नीति में आंगनवाड़ी के जरिए प्री प्राइमरी शिक्षा को मजबूत बनाए जाने और शिक्षा तबादलों के स्थानांतर नीति का सुझाव रखा था इन दोनों सुझावों को शामिल किया गया है तो दोस्तों बड़ी बात यह है कि जो डोटासरा ने सुझाव दिया था उन्हीं सुझावों को भी लागू किया गया है प्रदेश में आंगनवाड़ी के जरिए प्री प्राइमरी को विकसित करने का काम पहले से शुरू हो चुका है तबादला नीति बनाने की दिशा में काम चल रहा है अलग अलग राज्यों की नीति का अध्ययन किया जा रहा है पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने नई शिक्षा नीति पर सुझाव देने के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था इस कमेटी की ओर से सुझावों को डोटासरा ने केब की मीटिंग में रखा इन सुझाव में वित्तीय अनुदान का भी सुझाव था जिसका नई शिक्षा नीति में कोई उल्लेख नहीं किया गया है तो दोस्तों क्या क्या प्रावधान किया गया है तो पहला है शिक, शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा चुनावों को छोड़ते तो दोस्तों शिक्षकों की ड्यूटी सिर्फ चुनावी कार्यों में लगेगी इसके अलावा कोई कार्य में नहीं लगेगी प्री प्राइमरी आंगनवाड़ी स्कूलों के माध्यम से प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा दिए जाए तो हो सकता है प्रशिक्षित शिक्षकों की जो नियुक्ति करता है राजस्थान कर्मचारी बोर्ड उनकी और भर्ती की जाए शिक्षा का अधिकार कानून का दायरा एक से चौदह वर्ष बढ़ाकर एक से अठारह वर्ष साल कर दिया गया प्राथमिक शिक्षा शिक्षक भर्ती की तरह सेकेंड ग्रेड भर्ती में भी शिक्षक पात्रता परीक्षा टी ई टी जरूरी की जाए तो महत्वपूर्ण दोस्तों सेकेंड ग्रेड अभ्यर्थियों के लिए शिक्षकों की तबादला नीति बनाई जाए जिस पर राजस्थान में काम शुरू हो चुका है कक्षा एक से बारह तक शिक्षा का ढांचा पाँच प्लस तीन प्लस तीन प्लस चार किया जाए इसमें प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक पाँच साल तीसरी से पाँचवीं तक तीन साल छठी से आठवीं तक तीन साल नौवीं से बारह तक चार साल तक के डिजाइन होंगे इन सुझावों को नहीं किया गया शामिल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि शिक्षा नीति दो हज़ार उन्नीस मूलतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हज़ार छियासी पर आधारित है इसके प्रावधान उचित है किंतु इसमें शिक्षक भर्ती में साक्षात्कार का प्रावधान भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण है अब राज्य सरकार को तय करना होगा कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी या साक्षात्कार राजस्थान में लागू करेगी या नहीं करेगी ये पूर्णतः राजस्थान की सरकार पर निर्भर करेगा क्योंकि माननीय जब शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला होगा तो ये चीज़ उनके बेहद दिमाग में है हर स्कूल में गणित विज्ञान की शिक्षकों की उपलब्धता के लिए कहा गया है हालांकि इसके लिए वित्तीय प्रावधान राजस्थान जैसे बड़े राज्य के लिए संभव नहीं है मूलभूत संसाधनों के विकास के लिए भी राजस्थान जैसे शैक्षिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों के लिए विशेष वित्तीय अनुदान की जरूरत थी लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है राजस्थान में सैंतीस हज़ार चार सौ चौवालीस आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में प्री प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था की जानी है इसके लिए केंद्र ने वित्तीय सहायता का उल्लेख नहीं किया इस कारण नई शिक्षा नीति को राजस्थान में लागू किया जाना बेहद कठिन हो जाएगा तो दोस्तों नई शिक्षा नीति को राजस्थान में लागू करना बेहद कठिन हो जाएगा इसका मतलब ये है कि रीट के और सेकेंड ग्रेड के प्रावधान भी राजस्थान में लागू करे या नहीं करे पूर्णतः राजस्थान सरकार पे निर्भर है कि वो राजस्थान में रीट के जो नए प्रावधान है उनको लागू करती है या नहीं करती सेकेंड ग्रेड में साक्षात्कार व क्लास का जो डेमो का सिस्टम रखा है शिक्षा नीति में लिखा है उसको भी राजस्थान सरकार लागू करती है या नहीं करती पूर्णतः राजस्थान सरकार पर निर्भर है इसलिए आप इसके लिए ज़्यादा चिंतित नहीं हो क्योंकि राजस्थान सरकार अगर भ्रष्टाचार जैसे चीज़ें राजस्थान सरकार के दिमाग में हैं तो हो सकता है कि इन चीज़ों को राजस्थान सरकार मॉडिफाई करे या लागू नहीं करे ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है अगली बात है दोस्तों प्रदेश में बारह से तेरह हज़ार उच्च माध्यमिक विद्यालय कंप्यूटर के शिक्षकों की नहीं हो रही भर्ती तो दोस्तों कंप्यूटर शिक्षा को लेकर बड़ी खबर आ रही है बीकानेर से खबर आ रही है इस खबर को हम पूरा देखते हैं सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर को एक अनिवार्य विषय के रूप में लागू कर रखा है लेकिन कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती अरसे से नहीं हुई है प्रदेश भर के स्कूलों में कंप्यूटर विषय के शिक्षक नहीं है कंप्यूटर शिक्षा में शिक्षकों को दक्ष बनाने के लिए कंप्यूटर दे, दे रहा है विभाग लेकिन वो वी कंप्यूटर में प्रशिक्षित है उनके लिए भर्ती किए जाने की आवश्यकता तो दोस्तों जो कंप्यूटर में प्रशिक्षित है उनकी भर्ती किए जाने की आवश्यकता है प्रदेश में बारह से तेरह हज़ार उच्च माध्यमिक विद्यालय और कक्षा नौ से बारहवीं तक के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर विशेष लागू है तो दोस्तों सौ बारह से तेरह हज़ार कंप्यूटर स्कूलें हैं और वहाँ नौ से बारहवीं क्लास तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर विषय लागू है इसका मतलब ये है कि अगर राजस्थान सरकार आज कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती करती है तो काफ़ी बड़ी भर्ती होगी बारह से तेरह हज़ार पदों पर भर्ती होगी लेकिन अभी राज्य सरकार पर निर्भर है कि वो भर्ती कर रही है या नहीं लेकिन इसके बाद अभी तक कंप्यूटर प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है जबकि सैकड़ों की तादाद में कंप्यूटर निजी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तो तो दोस्तों जो कंप्यूटर शिक्षक है वो निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं काफी बड़ी संख्या में कार्य कर रहे हैं शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों को कंप्यूटर कोर्स करने के लिए कह रखा है ऐसे में शिक्षक आर के सी एल जैसे कंप्यूटर कोर्स कर लेता है उसको विभाग की ओर से शुल्क भी दिया जाता है लेकिन इससे भी कई शिक्षकों का शुल्क समय पर नहीं मिलता सुविधा को करें स्थायी यहाँ पे दोस्तों एक मांग ये भी उठ रही है कि जो सुविधाकर्मी लगे हुए हैं राजस्थान शिक्षक संघ से ने विभिन्न विभागों में सुविधा पर लगे शिक्षकों को शिक, स्कूलों में स्थायी शिक, कंप्यूटर शिक्षक के रूप में लगाने की मांग की है प्रदेश महामंत्री स्वर्ण पुरोहित के अनुसार कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए सभी कार्य इन दिनों ऑनलाइन हो रहे हैं ऐसे में दस दक्ष कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती से विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा ये एक और न्यूज़ दोस्तों राज्य सरकार के सुझाव शामिल ग्रेड शिक्षकों के लिए भी जरूरी होगी टेट शिक्षा मंत्री राज शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने किया ट्वीट तो दोस्तों ये वही खबर है जो हमने ऊपर पढ़ी है तो अब जो टेट है वो व्यापक हो जाएगी टेट का दायरा बढ़ जाएगा थर्ड ग्रेड के अलावा सेकेंड ग्रेड में भी टेट लिया जाएगा एवं टेट के बाद इंटरव्यू होगा इंटरव्यू के बाद क्लास डेमो भी लिया जा सकता है तो ये काफ़ी सारी चीज़ें नई शिक्षा नीति में है अब राज्य सरकार इस पर क्या तय करती है ये आने वाला समय बताएगा दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तो खबरों के लिए चैनल के साथ जुड़े जुड़े धन्यवाद जय हिंद जय भारत